कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिक्स। एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिक्स, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2.4। कितना होगा? 2.4, ठीक है ना। अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिक्स होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2.4, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फोर। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फोर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई डस कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड्स। मुद्दा, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? तो हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कब बनते हैं? जब एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करता है? तो हमने कहा पहली बात देखो, कार्बन कैन नॉट फॉर्म कार्बोकेटायन। कार्बन कैन नॉट फॉर्म कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब होता है सी के ऊपर +4 का चार्ज। सी के ऊपर +4 का चार्ज कैसे आएगा? बाय डोनेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, बाय डोनेटिंग अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन्स। मुद्दा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों ही डोनेट कर पा रहा? क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं डोनेट कर पा रहा? एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एनर्जी देंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और कार्बोकेटायन बना रहे हैं, तो हम लोग को एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब हमको एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके एटम 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? छोड़ेगा। तो हमने लिखा टू डोनेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो फिर किसी ने बोला कि अगर कार्बन कार्बोकेटायन नहीं बना पा रहा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका कॉन्फिग्रेशन चाहते, तो हम लोग ऐसा कर देते, कैसा? सिर्फ 2, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो फिर बोला कि कार्बन आयन बना ले। क्या बना ले? कार्ब एनायन। कार्ब एनायन, कार्बन कैन नॉट फॉर्म कार्ब एनायन, दैट इज सी की पावर कितना? -4। सी की पावर -4 कैसे होगी? बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसका कॉन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? 2.8। कितना हो जाएगा? 2.8। ऐसा क्यों? एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अब सुनो, एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। रिलीज क्यों? क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी देगा, उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, टू गेन फोर इलेक्ट्रॉन्स। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि एटम में, अगर आप कार्बन के एटम में देखेंगे तो प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। तो 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस, 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस क्या नहीं कर सकता? 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। हम लोग लिखेंगे एन एटम कंटेनिंग 6 प्रोटॉन्स, एन एटम कंटेनिंग 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? देयरफॉर देयरफॉर कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, देयरफॉर कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड्स, एंड फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब सिंपल सा लॉजिक है, कोवैलेंट कंपाउंड्स अगर वो फॉर्म कर रहा है तो मुद्दा होता है क्या? कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो अगली कहानी क्या होती है? दैट व्हाट आर कोवैलेंट कंपाउंड्स? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनकी क्या होती है
प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो हम लोगों ने मेटल्स नॉन मेटल्स में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड्स पढ़े थे, लेन देन है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा था, याद है बोलते पार्किंग में इतनी कारें हैं, इसको दो कारों की जरूरत है, ये अपनी दो कार दे देगा, ये अपनी दो कार दे देगा, ठीक है ना। तो वो था लेन देन एक्सचेंज। कोवेलेंट कंपाउंड जो रहते हैं उसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है। क्या होती है, शेयरिंग। हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं तो ये जो बॉन्ड्स रहते हैं ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं, वीकर बॉन्ड्स होते हैं, दे आर वीक बॉन्ड्स। यानी कि अगर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड से कंपेयर करोगे तो इसकी ये जो रहते हैं बहुत ज्यादा वीक होते हैं। अब क्योंकि ये वीक होते हैं तो इनके जो कंपाउंड्स रहते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या रहते हैं, लो रहते हैं। सो दे हैव लो ठीक मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। थर्ड, दे आर सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, दे आर सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। हालांकि बहुत सारे इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में और दूसरे पोलर सॉल्वेंट्स में भी क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। जैसे अल्कोहल है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है, इथेनोइक एसिड है वो भी पानी में क्या हो जाता है, सॉल्यूबल होता है इन ऑल प्रपोर्शन, कितना भी पानी मिला, ठीक है ना। और थर्ड, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट अच्छा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कुल मिला के ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के ऑपोजिट्स होते हैं। बोलो कोई परेशानी, ठीक है। तो याद करो हमने बोला इलेक्ट्रिक कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, दोस्ती। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोस्ती। दोस्ती का क्या रूल रहता है, जो तेरा है वो, जो तेरा है वो मेरा है। कैसे जो तेरा है वो मेरा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, H2। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, वन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, वन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वन। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक। एक दूसरा हाइड्रोजन आएगा उसके आउटरमोस्ट शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन, एक। अब ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा, जो तेरा है वो मेरा है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, क्योंकि तो दोस्ती है, दुखी तो लोग प्यार में होते हैं, ठीक है। ये भी क्या बोलेगा, जो तेरा है वो मेरा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयर हो गए। अब जब हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर दोनों के जो आउटरमोस्ट शेल होंगे वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे। यानी कि यश ने और प्रीत ने अपनी पार्किंग कैसे बनाई, कॉमन बनाई। तो जहां पर यश की कार रखी हुई है वहां पर प्रीत की भी कार रखी हुई है। तो अगर यश से कोई पूछता है कि उसके पास कितनी कार है तो यश कितनी बोलता है, दो। जो तेरा है वो मेरा है। प्रीत से कोई पूछता है तेरे पास कितनी कार है तो वो भी क्या बोलता है, दो। जो तेरा है वो मेरा है। क्लियर है क्या। तो ये किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन का। अगर वैसे ही मुझे अगर मीथेन का फॉर्मेशन स्टडी करना है, दैट इज CH4 का, तो इसमें दो चीजें, एक तो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2.4, यानी कि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दो तीन और चार चार। दूसरा कौन सा बन रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी 1, कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, चार चार। यानी कि कार्बन ने अपनी पार्किंग कितनों के साथ शेयर कर रखी है, चार चार हाइड्रोजन के साथ। अब कोई हाइड्रोजन से पूछता है तेरे पास कितनी कार है तो वो क्या बोलता है, दो दो। जो तेरा है वो मेरा मेरा है। तो सारे हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट क्या हो जाती है, कंप्लीट। उनको पार्किंग में कितनी कारें चाहिए थी, दो, उन दो सबको मिल रही है। और जो कार्बन है वो क्या बोलता है, मेरे पास आइट कितनी कार है, आइट। जो तेरा है वो मेरा मेरा है। तो इसकी क्या कंप्लीट हो जाती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। अब तुम क्या बनाओगे, क्लोरीन बनाकर देखो, CL2 ट्राई करो एक बार। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2.8.7। और एक F2 बनाकर देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2.7। ट्राई करो जल्दी से, दोनों फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने, 7। तो कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके पास एक और क्लोरीन बनाएंगे, क्योंकि Cl2 है तो हमको दो क्लोरीन चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये वाला क्लोरीन क्या बोलेगा, जो तेरा है वो मेरा है, तो इसके पास कितने हो गए, 8। और ये वाला क्लोरीन क्या बोलेगा, जो तेरा है वो मेरा है, इसके पास भी कितने हो गए, 8। ठीक है, सिमिलरली जो क्लोरीन है F, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी कितने, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या बोलेगा ये, जो तेरा है वो मेरा है, 7। 8 हो गए इसके, जो तेरा है वो मेरा है, इसके भी कितने हो गए, 8। ठीक है, बन गया F2। बोलो कोई परेशानी। अब NH3, NH3 क्या होता है तुम्हारा, अमोनिया अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तुम्हें याद हो गया होगा कितना होता है, 1। अमोनिया का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2.5। मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3। वो 3 कहाँ से मिलेंगे, वापस तो नाइट्रोजन के 1, 2, 3, 4, 5, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन का ये, जो तेरा है वो मेरा है, ठीक जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। आया समझ में, तो नाइट्रोजन के 8 हो गए, हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बोलो कोई परेशानी, कितने भी कंपाउंड बनाए, सब में क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड थे, कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड कैसे था, सिंगल। अब हम लोग किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑक्सीजन का। किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या होता है, O2। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, 2.6। तो जब मुझे O2 बनाना होता है, तो मानो ये मेरा एक ऑक्सीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये मेरा दूसरा ऑक्सीजन है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना, तो ये बोलेगा जो तेरा है वो मेरा है। मेरा है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8। ये भी क्या बोलेगा, जो तेरा है वो मेरा है, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड डबल बना। आ रही क्या कहानी समझ में। सिमिलरली जरा कार्बन डाइऑक्साइड ट्राई करो, CO2 जल्दी से ट्राई करो। कार्बन 1, 2, 3, 4, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या होगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन इधर से कंप्लीट हो गए, ये क्या हुआ, इसके 8 इलेक्ट्रॉन इधर से कंप्लीट हो गए, और इसके 8 इलेक्ट्रॉन इधर से कंप्लीट हो गए। तो क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ये किसका स्ट्रक्चर बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो हम लोग ये डबल बॉन्ड बना है, अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किससे बनता है, नाइट्रोजन में, यानी कि N2 में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2.5। अब नाइट्रोजन के 1, 2, 3, 4, 5, ये नाइट्रोजन का 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कुछ। देखो क्या है, जैसे जब नाइट्रोजन से हमको अमोनिया बनाना था, तो हाइड्रोजन के पास शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कितना था, 1। लेकिन नाइट्रोजन को कितनी रिक्वायरमेंट, 3 की थी। अगर यहाँ देखे तो इस नाइट्रोजन को भी 3 की रिक्वायरमेंट थी, इस नाइट्रोजन को भी क्या थी, 3 की रिक्वायरमेंट। तो बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट कैसे कर देंगे, फुलफिल कर देंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड बना। हालांकि इसमें हायर कंसेप्ट होता है किसका, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, तो वो टाइम बचेगा और तुम्हें दिल से इच्छा होगी समझने की, तो हम लोग वो भी पढ़ लेंगे, अगर हम लोग आ रहे अदरवाइज एग्जाम नहीं में, पढ़ेंगे। ठीक है, बाउंस क्यों बना, यानी कि एग्जाम में आता है, व्हाई डज कार्बन फॉर्म्स
सो मैनी कंपाउंड्स। ठीक है, इसी चीज को तुम्हारी एनसीईआरटी में अंडर द हेडिंग देके रखा है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कहानी क्या है? कहानी बहुत सिंपल सी है कि जो कार्बन है इतने सारे कंपाउंड बनाता है, इतने सारे कंपाउंड बनाता है, इतने सारे कंपाउंड बनाता है कि इसकी अपने आप में एक अलग केमिस्ट्री होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? तो हमने कहा कार्बन की दो प्रॉपर्टीज रहती है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या? आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चार इलेक्ट्रॉन ना दे पाता है और ना ले पाता है, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कंपैरेटिवली एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है। और क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कम लगती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर पाता है। ठीक कार्बन हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इट कैन नीदर गेन इलेक्ट्रॉन नॉर इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। सिंस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स लेस एनर्जी, अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। एक प्रॉपर्टी हमने कौन सा करी, टेट्रावैलेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने कौन सा करी, कैटेनेशन। कैटेनेशन होता है कि कार्बन ना खुद के साथ ही कंपाउंड बनाता जाता है, या फिर सिमिलर एटम्स के साथ। सिमिलर एटम्स मतलब नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो कार्बन खुद ही के साथ बार बार क्या करेगा, ऐसे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, या तो ऐसी स्ट्रेट चेन बनाएगा या फिर ऐसी ब्रांच चेन बनाएगा ऐसे। ठीक है, या फिर क्लोज चेन्स बनाएगा। क्लोज चेन्स मतलब कैसे? क्लोज ऐसे। ठीक है, या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा जो ऊपर बनी रहे, या फिर मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, यानी कार्बन खुद ही के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, या खुद ही के साथ क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। इस वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं।